here we go with the chapter number 8, the critical appraisal of the reluctant fundamentalist. And in the previous chapter, there were significant changes in America as well, and we've observed that the relationship between Chinggis and Arica was developing, but it was not a very cordial and emotional relationship. Rather, Arica was still nostalgic, and she intended to go on with her notions. वो अपनी उन तमाम चीजों के साथ मतलब कैरी कर रही थी. तो यहां पर चंगेज जो अपनी कहानी सुना रहा है स्ट्रेंजर को, ये मोर और लेस अमेरिका के अंदर 9/11 के बाद जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, इसमें उसका भी काफी हद तक जो है वो रेफरेंस कोट किया जा रहा है. रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट के ऊपर जो मूवी सामने आई वो 2012 में सामने आई, और जिसमें जो है वो 24 मई 2013 को ये पाकिस्तान में रिलीज हुई. और असल में इसके अंदर भी बुनियादी तौर पर जो है वो उन तमाम एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करने की कोशिश की गई कि जिनमें मतलब जो है वो उस वक्त पाकिस्तानियों को और खास तौर पर मुसलमानों को जो है वो जो है वो इंगेज होना पड़ा और सफर होना पड़ा. मोर और लेस इस चैप्टर के अंदर फर्दर डेवलपमेंट्स जो हैं वो लिंक करेंगी, और हम देखेंगे कि किस तरह से चंगेज जो है वो वहां से अमेरिका से एक्सपेल होता है, इसको किस तरह से वहां से मतलब जो है वो निकलना पड़ता है. जी चंगेज नोटिस दैट द स्ट्रेंजर इज अनइजी अराउंड द वेटर, ही एक्नॉलेज दैट द वेटर सीम्स इंटिमिडेटिंग. सारा एनवायरनमेंट है ये सारा लाहौर के अंदर है, और जो वेटर की जो मौजूदगी थी, अब वेटर की अमेरिकन से जो नफरत है वो बड़ी वाजिया है, चूंकि ये ट्राइबल एरिया से ताल्लुक रखता था और इसके घर वाले जो थे वो अमेरिकन फोर्सेस के हाथों मारे गए, तो जिस वजह से उसकी अमेरिकियों के साथ जो नफरत है उसकी वजह जो है वो हमें बहरहाल नजर भी आती है. जी जी But says that this is only because he is from the mountains where life is difficult, and because his tribe has been attacked by American soldier in Afghanistan. This stranger asked if the waiter घरों पर अटैक किया, वो पहाड़ी इलाकों में रहता है. तो बहरहाल चंगेज जो है वो अश्योर करता है स्ट्रेंजर को जो है वो कि तुम परेशान मत हो. The stranger asks if the waiter is praying. And Chinggis replies, he's actually reading the menu. कि वो menu Chinggis orders food for himself and the stranger. कि वो मतलब जो है वो उसके लिए stranger के लिए और अपने लिए खाना भी मंगवाता है. More or less इस chapter इस sorry paragraph के अंदर जो American attack को बताया गया, और इस तरह से अमरीकियों के लिए जो यहाँ पाकिस्तान में आज से 10 साल पहले 15 साल पहले जो नफरत थी उसका इजहार हो रहा है कि किस तरह से अमेरिकन बम्बार्डमेंट जो है वो किस तरह से यहाँ के लोकल लोगों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के
मतलब जो लोकल लोग थे उन लोगों के अंदर किस तरह से नफरत की वजह बन गई। स्ट्रेंजर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता जो है व्हाट द वेटर इज सेइंग रीइंफोर्सेस हिज आइसोलेशन इन लाहौर, कि वो क्यों आइसोलेटेड है लाहौर के अंदर या वो बैठा क्यों। वेटर और चंगेज जो है वो अपने आप मतलब कोई भी आपस में बात कर सकते हैं जिसको जो स्ट्रेंजर है वो नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। लेकिन ये एक तरह से हमें एटीट्यूड भी नजर आता है कि किस तरह से वो बाहर हाल खौफजदा था। यहां से अब किस्सा दोबारा से जुड़ने लगा है। जी Erica leaves Chengiz's apartment before he wakes up. He does not see her for a few days, but eventually they agree to meet at her apartment. Chengiz arrives and speaks with Erica's mother, who tells him that Erica needs stability and a friend, not a boyfriend. Chengiz is alarmed by Erica's mother, desperate tune, and when he sees Erica, he is saddened to learn that she cannot concentrate because of her medication. जो जो टोन है वो बिल्कुल यहाँ पे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है और ये बात भी नजर आ रही है कि he doesn't see her for a few days but eventually they agree to meet at her apartment। और यहाँ पर जो उसकी मदर की टोन है वो बड़ी sarcastic टोन है, एक तरह से वो बड़ी desperate किस्म की टोन थी। और जब वो Erica को मिलता है और वो मजीद परेशान हो जाता है कि वो किसी भी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही क्योंकि वो मेडिकेशन और जो उसकी सफरिंग्स है वो ज्यादा हमें होती हुई दिखाई देती है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू कैन से द शॉक जो 9/11 के बाद हुआ और ग्रेस की जो नॉस्टैल्जिक मेमोरीज हैं वो उसको दोबारा से मतलब जो है वो वापस उसको टेक ऑन करती हैं। तो वो स्टेबिलिटी चाहती थी अपनी बेटी की जिंदगी में, उसकी जो वालदा है उसका कंसर्न नजर आ रहा है। तो Erica has been trapped in past for too long और वो वहां से निकलना चाहती थी। मेडिकेशन जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव है इंस्टेड ऑफ अलाउइंग हर टू मूव पास्ट दिस स्टेप। तो ये एक तरह से उसकी जिंदगी को डल ड्रैब एंड बोरिंग कर चुकी है ये वाला जो एलिमेंट है। जी Chengiz asks Erica about her novel and she begins to cry. She cannot find the energy to work on it or even return her urgent call. She adds that she finds it difficult to translate her thoughts and feelings into words. Chengiz tries to comfort her, but Erica does not respond. And when Chengiz leaves, he seems that he has merely interrupted conversation between Erica and Chris. Chris ke saath baatein kar rahi thi aur mere jaane se just usko interruption diya. यही वजह है कि उसके साथ जो उसकी फिजिकल इंटीमेसी जो लास्ट चैप्टर में जो हम डिस्कस भी कर रहे थे उसके अंदर उसको अपना आप वहां पे फील नहीं होता बल्कि वो उससे डिस्गस्ट ही फील करता है। He does not see Erica for many months. So Chengiz feels a great distance growing between Erica and himself. अब ये इस चैप्टर के अंदर इनके दरमियान एक तरह से रिलेशन अब बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। While he is usually good at you can say calming her, he finds himself powerless to make her better. तो बहुत क्लियर है कि क्रिस की जो मेमोरीज हैं वो Erica को अभी तक मतलब जो है वो छोड़ नहीं। जी Chengiz is unable to deduce what causes Erica's sickness but thinks that she is suffering from a powerful nostalgia for her relationship with Chris. He feels inadequate. ये वाकई में nostalgia था. He feels inadequate for being unable to make Erica love him more than she loves Chris. कि वो मतलब जो है वो inadequate feel करता for being unable कि वो इस काबिल to make Erica love him कि वो उससे मोहब्बत करे more than she loves Chris. If indeed she ever did love him, he realizes also that America, like Erica, is becoming obsessed with its own past. ये अपने पास्ट के साथ ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं और ये मतलब जो था वो वहां पर जितना से चंगेज के लिए वहां पर Erica की जिंदगी में जगह सुकड़ रही थी इसी तरह से मुसलमानों के लिए जो जगह थी वो अमेरिका's पास्ट वाज एवर रियल जाओ जो हमें मतलब इफ देयर इज अ प्लेस फॉर हिम एनीवेयर इन इट क्या उसके लिए यहाँ पे कोई जगह भी होगी। अब ये मोर और लेस वो कुछ एप्रीहेंशन है जिसको वो सोच रहा है और यहाँ पर हमें अमेरिका और Erica में एक तरह से ऑब्सेशन भी नजर आ रहा है
तो ये क्लियर नहीं है कि एरिका जो थी वो क्रिस से कितनी मोहब्बत करती थी और वो किस तरह से उसको चाहती थी, लेकिन जिस तरह से वो मर गया है और मरने के बाद जो उसकी मोहब्बत है वो एक तरह से एक एक्सट्रीम पोजीशन पर चली गई है। और इसी तरह से जो अमेरिकन हैं वो जिस तरह से अपने पार्ट पास को सेलिब्रेट करते हैं उसको, ये बिल्कुल दोनों चीजें एक तरह से यूटोपिया ही नजर आ रही है। और जब वो अमेरिका के अंदर अनकंफर्टेबल फील करता है वो एरिका के पास जाता है, लेकिन दोनों जगहों पर आप उसको किसी किस्म का कोई सुकून हासिल नहीं है। जी This stranger cell phone beams and Chinggis comments that he has been called exactly every heart while the stranger sent a text. Chinggis points out the chicken roasting on the grill. तो stranger जो है वो cell phone वो वहाँ पे उसका cell phone बजता है और हर घंटे के बाद वो उसको recognize भी करता है कि ये मतलब company या उसकी organization है उसको मुसलसल call कर रही है। तो ये जो चंगेज पॉइंट्स आउट द चिकन रोस्टिंग ऑन द ग्रिल, ये जो चिकन है वो रोस्ट किए जा रहे हैं ग्रिल के ऊपर, ये जो फिर इस तरफ इस बात की तरफ इशारा है कि किस तरह से ये रोस्टिंग जो है वो मतलब वायलेंस की तरफ इशारा है। और ये बुनियादी तौर पर ये जो वायलेंस है ये वो एक तरह से कन्वे करना चाहता था या एक तरह से वो कन्वे हुआ है स्ट्रेंजर को किस तरह से कि मतलब ही इज अ चिकन ओवर हेयर इन पाकिस्तान और इसको इतनी आसानी से अगर कोई ऐसी तो वो गलत हरकत करेगा तो इतनी आसानी से उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। जी इरिटेटेड विद द नॉस्टैल्जिया ऑफ एरिका एंड अमेरिका चंगेज टर्न्स टू अंडरवुड सैमसन व्हिच इज नेवर नॉस्टैल्जिया सिंस इट लुक्स टू द फ्यूचर बिकॉज ही इज डेस्परेट फॉर सेटलिंग इन एन अनसर्टेन time he focuses on the fundamentalist and he tells the stranger performs his job as well as he has ever done. ab yahan par wo bhi matlab usi tarah se future ke sath associate karta hai aur future ke sath associate karne ka yahi purpose tha ki wo kam se kam jo hai wo Underwood Simpson ke sath jaye kyunki wahan nostalgics to hai nahi, wahan fundamentals par focus kiya jata hai aur jo cheez jaisi hai aur jis tarah se honi chahiye wo us tarah se, aur yahan wo ab apne career ko मतलब जो है वो वापस एक्सेल करना चाहता है वो तमाम चीजों से उस नॉस्टैल्जिया से उस मतलब पेन और सफरिंग से जो है वो अपने आप को एक तरह से निकालने का ख्वाहिशमंद है। जी जी वन डे ऑन द स्ट्रीट टू स्ट्रेंजर हरीश चंगेज एंड कॉल्ड हिम फकिंग अरब चंगेज इज क्यूरियस एंड वांट टू मतलब फकिंग अरब मतलब ये गाली मतलब देते हैं और Chinggis is curious and wants to fight them both, but they walk away. The stranger asks Chinggis what the man looked like. के stranger जो है वो उससे पूछता है कि वो बंदे कैसे थे. Chinggis replies that he cannot remember. He sometimes forgets the details of his own story. He tells the stranger just as the United States does. Nevertheless, his story is more or less true. के ये अब दो चीजों के अंदर जो है वो आपस में connection जोड़ने की कोशिश की जा रही है. चंगेज का जो इनकाउंटर था उन वाइट लोगों के साथ रेशियस के साथ इस तरह से कभी भी मतलब नहीं पहले हुआ था, लेकिन अब चूंकि 9/11 हो चुका था और 9/11 के बाद इन लोगों की जो टोन थी वो वहां पे जो स्ट्रेंजर्स थे जो मुसलमान थे उनके साथ बहुत ही अजीब थी। स्ट्रेंजर इस हवाले से स्केप्टिकल नजर आता है और चंगेज जो है वो हकीकत बयान कर रहा है। चंगेज सजेस्ट करता है कि अमेरिकन मीडिया जो है वो जिस तरह से फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करता है ताकि अमेरिकन पैट्रियटिज्म जो है वो कंफर्म कर सके, कहता है कि मेरी भी कहानी जो है वो मोर और लेस बिल्कुल सच्ची है, इसमें किसी किस्म का कोई मैंने मतलब जो है वो अमलगमेशन नहीं की। अब यहाँ चंगेज जो है वो कंफर्म करता है कि ही इज एन अनरिलायबल नरेटर, उसके एक्सपीरियंसेस जो है वो जो बहुत पावरफुल हैं और उसकी मेमोरी जो है वो नेचुरली अफेक्ट होती है, उसकी मेमोरी वो शायद हो सकता है कुछ एग्जेजरेट करे। तो इस तरह से जो है वो एक्सपीरियंसेस जो हैं वो रीइंटरप्रेट जब वो पास्ट को करता है तो मुमकिन है कि उसके अंदर वो कुछ ना कुछ एग्जेजरेट करता हो, कुछ ना कुछ ऐसी बातें शेयर कर देता हो जो पहले कभी भी नहीं हुई। चंगेज ऑफन कमेंट दैट यूएस डस द सेम थिंग आल्सो इज मेंट टू प्रोवोक द रीडर टू थिंक अबाउट द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट एंड द इंप्लिकेशंस ऑफ इट शुड बी ट्रू। तो चंगेज जो है वो उसका ऑफन कमेंट दैट द यूएस डस द सेम थिंग आल्सो इज मेंट टू प्रोवोक द रीडर टू थिंक अबाउट द ट्रुथ ऑफ स्टेटमेंट, के रीडर जो है वो एक तरह से सोचने में दोबारा हक पर जाना है कि ये जितनी बातें कर रहा है कि एग्जैजरेट तो नहीं कर रहा,
एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ इट इट शुड बी ट्रू. क्या ये वाकई में जो कुछ कह रहा था ये सच था या इसमें को किसी किस्म का कोई एग्जैजरेट हुआ हुआ नजर आता है. वन इवनिंग जिम सजेस्ट दैट चंगेज कम टू हिज अपार्टमेंट. चंगेज नोटिसेस दैट द लार्ज नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ मेल न्यूड्स ऑन द वॉल्स and learns that Jim has no wife or children. Jim asks Gaze what's on his mind and if it has anything to do with Pakistan. Gaze denies this because he doesn't want to make Jim think that he is not loyal to Adavar Samson. Jim tells him that he knows what's like to be an outsider and they can talk anytime. And that they can talk anytime. So, वो किसी भी वक्त बात कर सकते हैं. अब यहाँ पर जो Jim है वो हमें homosexual नजर आ रहा है कि जिस तरह से मतलब जो है वो मर्द को मतलब जो है वो उनकी न्यूड पिक्चर्स मौजूद है वॉल्स के ऊपर. लर्न दैट जिम हैज नो वाइफ एंड चिल्ड्रन. कि अब इस तरह से हमें जिम का और वहां पर जो गे मैरिजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से उभरता हुआ दिखाई देता है कि जो है वो जिम होमोसेक्सुअल है और चंगेज के अंदर मुमकिन है कि वो रोमांटिकली जो है वो इंटरेस्टेड हो. वो ही इज मोर कंसर्न्ड विद चंगेज asking question instead of simply talking at him. Chinggis doesn't respond to his concern since he's too committed to Underwood Samson. वो उसको ये बताने नहीं चाहता कि Underwood Samson की तरफ जो है वो committed नहीं है. क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो था वो वॉर ऑन टेरर के हवाले से हालात काफी ज्यादा खराब थे, दहशतगर्दी हो रही थी. तो वो उसको पूछता कि क्या तुम पाकिस्तान के हवाले से नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है. चूंकि वो उसको बिल्कुल भी नहीं बताना चाह रहा था, ये रियलाइज नहीं करवाना चाह रहा था कि ऐसा ऐसी तो सूरत हाल है. Chinggis become more implausible. Even if he is sharp enough to know that something is wrong. Baral Jim ki jo insistency wo ye samajhta hai ki Chinggis jo hai wo zyada implausible ho chuka hai ke shayad ho sakta hai ki kuch yahan uske sath galat na ho jaye. Ji Chinggis soon starts to worry that he could lose his job at Underwood Samson because he is Pakistan. Where Knight tells him about business that discriminate against Muslim employers and warns him that Underwood Samson may be firing some employers soon. Still, when he has his performance revived, he learns that he is still ranked number one and he is even given a large bonus. No doubt, uska jo performance thi, wo bahut zabardast thi. Lekin us waqt bahut se Pakistaniyon ko wahan se nikala ja raha tha. Khas taur par un Pakistaniyon ko jinke hawale se ye zara sa shubha tha. कि वो जनाब ये जो अलकायदा वगैरह है इनके साथ मतलब जो है वो बहुत ज्यादा कमिटेड हैं. तो एक तरह से ये चीज हमें जो है वो नजर भी आती है. सो ये एक बात हमें मतलब जब वो क्लियर नजर आती है कि जो Wainwright है वो उसको ये कहता है कि जो businesses that discriminate against Muslim employees and wants him to attend about Samson को हो सकता है तुम्हें जल्द निकाल दे. लेकिन जब उस महीने का रिव्यू आता है तो उसमें वो अभी भी कंपनी की टॉप ऑफ द लिस्ट पर मौजूद है. अभी तक उसके चंगेज के साथ किसी किस्म के अंडरवुड सैमसन में ना तो रेसिज्म नजर आ रही है ना डिस्क्रिमिनेट होता हुआ दिखा रहा है. लेकिन जिसमें एनवायरमेंट में वो रह रहा था वहाँ हैरेस था, वहाँ र्यूमर्स थी, वहाँ वो सफोकेशन महसूस कर रहा था. चूंकि वो इन्वायरमेंट जो था वो अब उसको कुछ उस तरह से फीड करने को रेडी नहीं था. जी Chinggis हैप्पीनेस अबाउट हिज बोनस इज यू कैन से लिमिटेड व्हेन ही लर्न्स दैट पाकिस्तान माइट सून गो टू वॉर विद इंडिया सोन. के पाकिस्तान जो है उसको इंडिया क्योंकि 2000 जो है वो 9/11 के बाद 2002 में बहुत मैसिव मतलब जो थी वो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर इंडिया के साथ बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट थी और ऐसे लग रहा था क्योंकि 2001 के अंदर इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ और 2002 में ऐसे लग रहा था कि शायद इंडिया मशरकी पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दे, सॉरी मशरकी सरहद से जो है वो अटैक कर दे. और ये मशरकी सरहद से अटैक करना चाहिए पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका के साथ वॉर ऑन टेरर में मगरबी सरहद पर एंगेज था. तो अगर मशरकी सरहद से हमला होता है तो पाकिस्तान के लिए सूरत हाल जो थी वो बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी. तो दिसंबर में डिस्पाइट वार्निंग्स फ्रॉम हिज मदर एंड फादर ही फ्लाइज टू पाकिस्तान टू विजिट देम व्हाइल हिज अंडरवुड सैमसन पीयर्स सेलिब्रेट क्रिसमस इन अमेरिका. तो जिन दिनों में मतलब क्रिसमस की छुट्टियां थी तो उन दिनों में वो वापस मतलब जो है वो जाता है. व्हाइल हिज अंडरवुड सैमसन पीयर्स सेलिब्रेट क्रिसमस इन अमेरिका
On the plane, a Muslim man talks Chenge, tells Chenge that it's God's will whether or not the world will experience nuclear annihilation. के उसके मतलब जहाज के ऊपर एक मुसलमान ये कहता है कि it's God's will. ये खुदा की मर्जी है whether or not the world will experience nuclear annihilation. के हो सकता है कि ये एटम बम की जो इंसानियत की जो annihilation है कि शायद ये वॉर ऑन टेरर के साथ ये जो है वो पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो जाए और इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं. लिहाजा यहाँ पर जो उसके अंदर एक इमोशनल अटैचमेंट है वो अपने मुल्क के साथ वो पूरी तरह से इको करती हुई दिखाई देती है. और उसका डिसीजन जो वापस जाने का था जब जो अमेरिकन हैं वो अपनी क्रिसमस को जब इंजॉय कर रहे हैं वो उसके अपने पीयर से अपने मतलब उस सोसाइटी से जिसमें वो रह रहा था उसकी वो आइसोलेशन का भी इजहार है. तो मुस्लिम कमेंट्स सीम टू इंडिकेट द राइज ऑफ मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म इन रिस्पॉन्स टू वॉर ऑन टेरर. तो यहाँ वॉर ऑन टेरर जो है वो हमें पूरी तरह से मतलब जो है वो लेकिन यहाँ जो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के हालात जो टेंस हैं वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं. तो स्ट्रेंजर और चंगेज जो हैं उनका खाना आ जाता है. चंगेज वांट्स द स्ट्रेंजर नॉट टू ट्राई द योगर्ट सिंस इट इज अनकुक्ड. Pointing out the stranger's reluctance, he eats some after each of stranger's dishes to reassure him कि इसके अंदर कोई भी गलत चीज मौजूद नहीं है. तो बहरहाल stranger को अभी तक उसमें trust नजर नहीं आ रहा और इसी तरह का trust जो था वो वहां पर अमेरिका में जो था वो मौजूद नहीं था इन पाकिस्तानियों के हवाले से. ये वो factors हैं जो यहाँ पर हमें इस chapter के अंदर ये अब यहाँ पर हमें नजर आएगा कि आगे जाके इसके कंसर्न्स पाकिस्तान के हवाले से और ज्यादा होंगे और इन कंसर्न्स के हाथों ये मजबूर होके इसकी एफर्ट होगी कि मैं जो है वो दोबारा से जो है वो अपने मुल्क में चला जाऊं और नेचुरली ऐसा होगा और वो वापस आएगा. सेशन में बात करेंगे तो वहाँ डिटेल से चैप्टर नंबर जो है वो 9 का एनालिसिस करेंगे.